आंकड़ों के अनुसार जब से डीए और डीआर कंफर्म हुआ है जनवरी 2023 के लिए, तब से सभी के मन में एक ही सवाल है कि बढ़ा हुआ सैलरी और पेंशन कब आएगा खाते में, वो भी डीए और डीआर के साथ। तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ हर बार की तरह, वो भी प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही रहे कि हम हर एक इन्फॉर्मेशन आपसे प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि जो अपना सैलरी है और पेंशन है वो बढ़ करके कितना आएगा, कब आएगा। दोस्तों अगर आप ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो मैंने आपको ये पहले के वीडियो में बताया था वो तो याद ही होगा, जिसके टेबल के अकॉर्डिंग आप इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस आंकड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जनवरी 2023 तक जो आपका जो वैल्यू है वो 42% कंफर्म रहेगा। 42% से नीचे नहीं जाएगा, मे बी 42% से ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे कभी नहीं जाएगा, जो आंकड़े कहते हैं उसके अनुसार। अब अभी का जो प्रेजेंट आपको डीए और डीआर सैलरी में मिल रहा है वो मिल रहा है 38%, तो अभी सीधा सीधी 4% का इंक्रीमेंट है, तो आपको 39, 40, 41, 42, ये 4% की इंक्रीमेंट है, तो अभी जो आपकी सैलरी और पेंशन मिलेगी वो 42% के अकॉर्डिंग कंफर्म्ड रहेगी। अब देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आप यहां पे क्लियरली समझ सकते हैं, वैसे इसके बारे में मैंने आपको बताया है। द ऑल इंडिया सीपीआईआईडब्ल्यू फॉर नवंबर 2022 रिमेंड स्टेशनरी एट 132.5। कहने का मतलब ये है कि जो अक्टूबर में वैल्यू था वही सेम वैल्यू नवंबर में भी है और दिसंबर में भी सेम ही रहेगा, अगर थोड़ा कम भी होगा तो वो ऑलमोस्ट 42% के डीए और डीआर के साथ जाएगा, और अगर थोड़ा भी बढ़ता है तो वो 42% से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो आप 42% के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधी आपके सैलरी में 4% का इंक्रीमेंटेशन देखने को मिलेगा डीए और डीआर में। यहां तक तो हमें ये चीज तो कंफर्म्ड है कि ये 132.5 के अकॉर्डिंग जो हमारा 42% का जो डीए और डीआर है वो तो कंफर्म है जनवरी 2023 के लिए, लेकिन ये आंकड़े एक्चुअल आंकड़े जो है वो 31 जनवरी 2023 को आएगा, जो कि रिलीज होगा AICPN की तरफ से। यहां से देख सकते हैं CPI IW का ये जिस तरीके से आंकड़ा है अक्टूबर और नवंबर का, वो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में भी 132.5 था और नवंबर में भी 132.5 है। अब दिसंबर का जो आंकड़ा है वो 31 दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा आपको 31 जनवरी 2023 को देखने को मिलेगा, तो वो भी ऑलमोस्ट ये है कि 132.5 के अकॉर्डिंग रिमेन सेम ही रहेगा या इससे थोड़ा बढ़ेगा। अगर सेम रहेगा तो 42% का डीए और डीआर कंफर्म्ड है, थोड़ा सा बढ़ेगा तो डीए और डीआर और ज्यादा आपको इंक्रीमेंट होकर के मिलेगा। तो ये चीज तो आप क्लियरली समझ चुके हैं कि 31 जनवरी को हमें फाइनल आंकड़े मिल जाएंगे AICPN की तरफ से। तो चलिए यहां तक तो ये बात समझ में आ गई कि जिस तरह से ये जो वैल्यूज थे 132.5 के अक्टूबर नवंबर के लिए, दिसंबर का वैल्यू हमें जो है 31 जनवरी को मिल ही जाएगा, जो ऑलमोस्ट यही रहने वाला है अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे सारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। वैसे अगर आप ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर रखे तो हमने हर एक आंकड़े को कैलकुलेट करके भी आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट रिमेन सेम रहेगा या इससे थोड़ा सा बढ़ेगा। अब उसके बाद बात ये आती है कि ये तो ठीक है 31 जनवरी तक हमें पता चल जाएगा कि दिसंबर का आंकड़ा क्या कहता है और एक्चुअल डीए और डीआर कितना कंफर्म्ड हुआ। अब बात ये आती है कि कैबिनेट की तरफ से इसे अप्रूवल कब मिलेगा। तो देखिए ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो अप्रूवल है वो ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद मिलता है। अब ऐसा नहीं कि इस चीज में भी सरकार देरी कर रही है, ये ऑलमोस्ट हर साल ऐसा ही होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि 31 जनवरी को हमारे पास दिसंबर तक का सारा कुछ डीए और डीआर का एक्चुअल हमें कंफर्म हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 42% रहने वाला है। अब उसके बाद जो ये आपका कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल जो है वो मार्च 2023 में देखने को मिलेगा, यानी कि कंफर्म तो जनवरी में हो ही गया है और हो भी जाएगा, लेकिन जो आपको पेंशन में बढ़ोतरी है वो अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल ही जो है वो आपको मार्च में मिलने वाला है। अब यहां से जाहिर सी बात है कि जब मार्च में कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगी तो जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का, तो जो आपका जो पेंशन है वो अप्रैल में मिलेगा, तो जो अप्रैल की पेंशन होगी उसमें आपका डीए और डीआर कंफर्म्ड रहेगा और वो इंक्रीमेंटेड रहेगा। जो ये 4% तो निश्चिंत ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा, मे भी 4.5% तक भी जा सकता है, तो जितना भी ये रहेगा वो इंक्रीमेंट होकर के वो अप्रैल में
अप्रैल का जो अप्रैल 2023 का जो पेंशन रहेगा उसमें वो आपको इंक्रीमेंटेशन देखने को मिलेगा। ये तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहां पर मैं आपका एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं, जो कि आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि डीए और डीआर महंगाई भत्ता और राहत पर भी हमने बहुत आसान लैंग्वेज में आपको सारे ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। कि देखिए अभी क्या है कि आपका जनवरी में जो है इसका आपको अप्रूवल मिल गया है, अप्रोक्स मान लीजिए 42% जो कंफर्म्ड है, जो एक्चुअल वैल्यू निकल के भी आ रहा है आंकड़े के हिसाब से। तो अब क्या है कि उसकी जो अप्रूवल जो मिल रहा है कैबिनेट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो मिल रहा है आपको मार्च 2023 में। अब पेंशन आपको मिलेगा अप्रैल में, तो जो अप्रैल की पेंशन है उसमें तो आपका डीए और डीआर बढ़ करके मिलेगा, लेकिन ये बढ़ तो गया है जनवरी से ही, तो जनवरी फरवरी और मार्च इसका भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तीन महीने का डीए और डीआर है इसको भी कैलकुलेट करके इसका जो टोटल वैल्यू होगा वो भी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अप्रैल के ही महीने में। यानी अप्रैल का एक अपना तो डीए और डीआर होगा ही, उसके साथ साथ आपके ये जो बचे हुए तीन महीने के डीए और डीआर है वो भी आपको इसमें दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर कंक्लूजन की बात करें कि हमारा बढ़ा हुआ पेंशन और सैलरी जो है वो कब आएगा खाते में, तो वो आप समझ ही गए होंगे कि वो अप्रैल 2023 में देखने को मिलेगा। कितने परसेंट से आएगा, तो 42% से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। और अगर बात करें जनवरी फरवरी और मार्च के डीए और डीआर की, तो ये भी आपको जो है वो अप्रैल में ही दिख जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की अप्रूवल जो है वो आपको मार्च 2023 में देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी ये जानकारी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो जो इंक्रीमेंटेड डीए और डीआर है वो जनवरी 2023 से आपके लिए बिल्कुल लागू है, मिलेगा अप्रैल 2023 में। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता ही है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और कम प्रणाम सत्यकाल। कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।